भारत सरकार ने नए साल के पहले दिन कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड पर बड़ा एक्शन लिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फरार साथी गोल्डी बराड को भारत सरकार ने UAPA में आतंकी घोषित किया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गोल्डी बराड मास्टरमाइंड है। मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी बराड कनाडा में छिपा है। बराड लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा है। बराड के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और हथियारों की तस्करी जैसे कई मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुका है। सितंबर महीने में गोल्डी बराड के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी बराड के जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। वहीं गृह मंत्रालय ने गैंगस्टर सतविंदर सिंह उर्फ सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि गोल्डी बराड प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है, जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कनाडा स्थित आतंकवादी ने 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी। बता दें कि आतंकी घोषित गोल्डी बराड पंजाब के श्री मुक्तेश्वर साहिब का रहने वाला है। उसका जन्म 11 अप्रैल 1994 को हुआ था। फिलहाल कनाडा के ब्राप्टन में वह रह रहा है। आरोप है कि बराड वहां खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ जुड़कर भारत विरोधी काम कर रहा है। उसने कनाडा में बैठकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी साजिश रची थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर ऐलान करके इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। वही कई चैनल के इंटरव्यू में भी बराड सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ले चुका है। गोल्डी बराड 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा पहुंचा था। इंटरपोल के अनुसार 29 वर्षीय गोल्डी बराड हत्या, आपराधिक साजिश और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल है। उसके खिलाफ पहले ही एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। उसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस कनाडा तक गई थी, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। बहरहाल अब भारत सरकार ने नए साल के पहले दिन ही गोल्डी बराड को लेकर के बड़ा एक्शन लिया है। अब UAPA के तहत भारत सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी बराड को आतंकी घोषित कर दिया है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।